हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सब? होप सो सब बढ़िया चल रहा है। गाइस आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको गारंटीड स्कूल एग्जाम्स में प्लस इन योर बोर्ड एग्जाम्स करके जाने हैं। ध्यान रखें गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से करना एंड एटलीस्ट आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, आप इनको स्किप मत करना। चलिए गाइस, विदाउट एनी टाइम वेस्ट वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो ऑर्डर एंड डिग्री गाइस एक कॉन्सेप्ट गारंटीड आपके स्कूल एग्जाम्स में प्लस बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है इन द मार्कर्स, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। तो एग्जांपल 1 नंबर 1 गाइस, इसमें कोई भी पार्ट आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको एज सच कुछ मार्क नहीं करा रहा हूं, लेकिन आप ध्यान में रखो इनमें से कोई भी एक पार्ट आप कर सकते हो। तो मैं कह रहा हूं आप अच्छे से प्रिपेयर करो ऑर्डर एंड डिग्री वाले क्वेश्चंस। जैसे 9.1 की गाइस मैं बात करूं, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से कर सकते हो। 1 के बाद गाइस आपको आ सकता है वो क्वेश्चन नंबर 6। 6 के बाद गाइस आप आ सकता है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10th। 8, 9, 10 की बात गाइस आप कर सकते हो वो क्वेश्चन नंबर 12। तो ये थे गाइस वो कुछ क्वेश्चन जो आपको इस एक्सरसाइज के अच्छे से करने हैं प्रिपेयर। यहाँ से गाइस आपको ऑर्डर एंड डिग्री पे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद गाइस मैं आऊंगा चैप्टर के सेकंड पार्ट में, दैट इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसमें इसमें बात करूं तो एग्जांपल नंबर 2 आपके लिए इतना काम का नहीं, यू कैन स्किप दिस। एग्जांपल नंबर 3 भी गाइस इतना काम का नहीं, यू कैन स्किप दिस। सीधे गाइस मैं आता हूं एक्सरसाइज 9.2 में, और 9.2 में गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 6। 6 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 7। 7 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 11। 11 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हैं गाइस कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के जो आपको इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से करने हैं। तो प्लीज गाइस इन क्वेश्चंस को स्किप आउट मत करना, आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 9.3 की गाइस में बात करूं तो 9.3 गाइस आपके सिलेबस से बाहर हो चुकी है। तो 9.3 में आपको कुछ भी नहीं करना, तो आप ये सारे क्वेश्चंस का आप एलिमिनेट कर सकते हो। एग्जाम्पल 6, 7 ऑल दीज क्वेश्चंस आर आउट ऑफ योर सिलेबस। 8 एक्सरसाइज 9.3 गाइस आपके पूरे सिलेबस से बाहर है, तो बहुत खुशी से गाइस आप इन क्वेश्चंस को स्किप आउट कर सकते हो। इसके बाद गाइस मैं आता हूँ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो मैं स्टार्ट करूंगा गाइस एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 आपके लिए इतना काम का नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 10 गाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत अच्छे से करो। एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद गाइस एग्जाम्पल नंबर 11 आपके इतने काम का नहीं, यू कैन स्किप दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 12 गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करो। एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 भी गाइस आपके काम का नहीं, यू कैन स्किप दिस। एग्जाम्पल नंबर 14 भी गाइस आपके काम का नहीं, यू कैन स्किप दिस। मैं सीधे गाइस आता हूँ एक्सरसाइज 9.4 में, और 9.4 में गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 6th। 6th के बाद गाइस आप करोगे क्वेश्चन नंबर 9th। 9 के बाद गाइस जो आप करोगे वो है क्वेश्चन नंबर 10th, और 10 के बाद गाइस आप करोगे क्वेश्चन नंबर 10 का है भाई 10 मार्क हो जा, ओके गाइस थोड़ा सा लाइट मार्क होता है 10th। 10 के बाद गाइस जो आप करोगे वो है क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 में मार्क कर लेता हूँ। तो ये है गाइस वो कुछ क्वेश्चन जो आपको इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से करके जाने। इसके बाद गाइस आप बाकी सबको स्किप कर सकते हो। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो होमोजीनियस का मैं गाइस बात करूँ तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ से फ्रेमिंग होने की चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इसमें गाइस मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल नंबर 15 यू कैन स्किप, ये बहुत ईजी है, यू कैन स्किप दिस। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ तो आगे मेरे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 16। ये गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ तो एग्जांपल नंबर 17 यू कैन स्किप दिस एग्जांपल। इसके बाद गाइस जो आपको करना है वो एग्जांपल नंबर 18, ये भी गाइस आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करूँ एक्सरसाइज 9.5 में, तो 9.5 में गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 4th। 4th के बाद गाइस आप करोगे क्वेश्चन नंबर 6th। 4th, 6th, इसके बाद गाइस आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9th। 9 के बाद गाइस आप करोगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बाद गाइस आप करोगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद गाइस आप करोगे क्वेश्चन नंबर 17। तो ये है गाइस जो आपको इस वाले पार्ट से करने क्वेश्चंस। इसके बाद गाइस मैं आ जाऊंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की गाइस अगर मैं बात करता हूं तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो मैंने आपको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मार्क करा दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 की बात गाइस मैं बात करूं तो ये वाला आपके लिए इतने काम का नहीं, यू कैन स्किप दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 20 गाइस आपके लिए इतने काम करनी, अगेन यू कैन स्किप दिस एग्जाम्पल। 21 गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करो। 21 की गाइस बाद में आगे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 22, यू कैन स्किप दिस एग्जाम्पल। 22 के बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ 23, यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। 23 के बाद गाइस आप आपको सीधे 9.6 में, 9.6 में गाइस आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 4th। 4th के बाद गाइस आप करोगे क्वेश्चन नंबर 7th।
सेवन के बाद गाइस आप करोगे क्वेश्चन नंबर एट, एट के बाद गाइस जो आप करोगे वो क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन के बाद गाइस आप करोगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन, और थर्टीन के बाद गाइस आप करोगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन। तो ये हैं गाइस वो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपको इस वाली एक्सरसाइज से करके जाने हैं। इसके बाद गाइस मैं मिसलेनियस एग्जांपल्स की बात करूं तो मिसलेनियस एग्जांपल्स में गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 25, ये आपके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद गाइस मैं आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 26, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इस वाले एग्जांपल को बहुत अच्छे से करो। 26 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 27, यू कैन स्किप दिस एग्जांपल नंबर 27 के बाद एग्जांपल नंबर 28 गाइस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस वाले एग्जांपल को बहुत अच्छे से करके जाना। एग्जांपल नंबर 28 के बाद गाइस जो आपको करना है वो है मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में गाइस जो आप करोगे वो क्वेश्चन नंबर 1, इस एग्जाम में गाइस आप करोगे क्वेश्चन नंबर 1, ये इसके सारे पार्ट्स आप कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 के बाद गाइस जो आप करोगे वो है क्वेश्चन नंबर 4th, तो 4th में मार्क कर देता हूं आपके लिए। 4th के बाद गाइस जो आपको करना है वो है क्वेश्चन नंबर 7th, 7th क्वेश्चन भी गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्कूल्स में भी प्लस आपके प्री बोर्ड्स में भी चांसेस है यहां से आने की। 7th के बाद गाइस जो आपको करना है वो है क्वेश्चन नंबर 9th, 9 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 10, और 10 के बाद गाइस जो आप करोगे वो क्वेश्चन नंबर 14। तो ये थे गाइस वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर के जो आपको बहुत अच्छे से स्कूल एग्जाम्स में करके जाने हैं प्लस अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वो 3-4 काम कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला, इससे गाइस मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। गाइस आप जो भी वीडियोस चाहते हो उसको कमेंट करो, मैं जरूर उसको बना दूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, टाटा बाय।